गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। हम जो क्लासेस ओ लेवल की कर रहे हैं उसके प्रैक्टिकल्स क्लासेस के लिए, तो हमारी जो ये क्लासेस हैं स्पेशली आप लोगों के लिए बनी हुई हैं। किस चीज के लिए बनी है भाई? हम लोगों का चल रहा है यहाँ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो है सेशन चल रहा है आप लोगों के लिए, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर। क्योंकि भाई हम लोगों का जो आप लोगों के जो आप लोगों ने एडमिट कार्ड जो डाउनलोड किए हैं, आपका प्रैक्टिकल बहुत जल्दी होने वाला है, तो एडमिट कार्ड आप लोगों ने जरूर डाउनलोड कर लिए होंगे। तो उसी से रिलेटेड हमारी जो ये प्रैक्टिकल सेशन की क्लास है, जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से आप अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं और इसकी से रिलेटेड कोडिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा आईओडी का जो है चल रहा है हमारा प्रैक्टिकल क्लासेस, और इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर में आपको किस तरीके से कोडिंग करनी है। हमारी जो पहली दो क्लासेस हैं उन क्लासेस में हम ये देख चुके हैं कि हमारा पैटर्न क्या है, ठीक है। 100 मार्क्स का जो आपका पेपर है वो 80 और 20 में डिवाइडेड है, और 80 में से आपका है थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल ही है, क्वेश्चंस हैं, और उस क्वेश्चंस को आपको एक प्लेटफॉर्म है उस पर क्या करना है, रन कराना है, ठीक है। तो रन कराएंगे कब, जैसे आपको कोडिंग पता होगी और थोड़ा उसके बारे में पता होगा, क्योंकि आईओटी आप पढ़ ही चुके हैं थ्योरी, तो कुछ कुछ टर्म्स तो आपको ऑलरेडी पता ही होंगी। अब हमको करना है उससे रिलेटेड कोडिंग, और कोडिंग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली एक प्लेटफॉर्म पर। तो आर्डिनो हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम क्या कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं। आर्डिनो के बारे में आप जानते ही हैं कि ऐसा सर्किट बोर्ड है, मतलब आप समझिए कि ये आप कह लीजिए कि रोबोटिक्स में ज्यादा यूज होता है, या फिर इसमें आप सर्किट वगैरह डिजाइनिंग करके नए नए कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसको यूज करके हम अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं। आप ये देख लीजिए कि आपके जो लैम्प वगैरह है ना, वो भी इस पैटर्न पे बने होते हैं। जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो भी इसको करके आप डिजाइन वगैरह कर सकते हैं। तो यही बेस है इसका। तो चलिए हमारा जो आईओटी का जो हमारा आज का क्वेश्चन पेपर है हम उसको स्टार्ट करते हैं, देर नहीं कर रहे हैं हमको, और मैं आपको कोडिंग बताऊंगी कि कैसे करते हैं और कैसे रन करते हैं, और साथ में ये भी कि जो एरर्स होते हैं आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपना जो रिजल्ट है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसको मैं रीड कर रही हूँ। डिजाइन अ नाइट लैंप यूजिंग एलडीआर, ठीक है। आपका जो LDR है हम उसको यूज कर रहे हैं। LDR का बेसिकली यूज किस लिए होता है, ये एक सेंसर होता है एक तरीके से, इसमें जो डार्क में आपका जो है ये सेंस का काम करता है ना, एंड LED यूजिंग अ Arduino यूनो एंड पॉइंट आउट द टाइम डिले एसोसिएटेड इन कीपिंग ऑन द लैम्प, ठीक है। तो हमको ये जो हमारा है इसको आर्डिनो पर हमको करना है, इन्होंने कहा ही है, क्वेश्चन ही बता रहा है। जनरली आईओटी की जितने प्रैक्टिकल्स हैं वो इसी ही प्लेटफॉर्म पर आपके होते हैं, ठीक है। अभी हम प्लेटफॉर्म भी देखेंगे, पिछली दो क्लासेस में जो हमने सॉल्यूशन किया था प्लेटफॉर्म देखा ही था हमने, ठीक है। तो अब हमने LDR और LED का यूज करना है, ठीक है, और क्या करना है, नाइट लैंप डिजाइन करना है, ठीक है, एंड उसको क्या करना है, ऑन रखना है। तो चलिए हम इसके लिए कोडिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ये है हमारा आर्डिनो, है ना, आर्डिनो जिसमें हमको क्या करनी है, कोडिंग करनी है, ठीक है। आईडी है हमारा इसका आर्डिनो का, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जहां पर हमको क्या मिल रहे हैं, वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म एक तरीके से सारे टूल्स मिल रहे हैं, जिस पे कोडिंग करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपना क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो है रिजल्ट क्या आ रहा है। और ये जो इस तरफ हमारा जो कोडिंग हो रही है ये है हमारा स्केच। तो जो स्केच है उसके मैंने पहले ही बताए थे आपको कि दो पार्ट होते हैं, है ना। एक होता है आपका, गुड इवनिंग उन सभी लोगों को जो यहाँ ज्वाइन किया हुआ है जिन्होंने, तो जो है देखिए ये जो स्केच है इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में जो है आपका वॉइड सेटअप है, एंड दूसरे पार्ट में है वॉइड लूप। और सेटअप जो पार्ट है उसमें आपको ये पता ही है कि जो हमारा सेटअप पार्ट है उसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हम अपने डिवाइसेस है यूज करते हैं, जैसे अब इसमें हमारा जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें इसमें LDR का यूज करना है, एंड हमको यूज करना है LED का, ठीक है। तो LDR सेंसर यूज करना है और LED का यूज करना है। राधे राधे, राम प्यारे जी, गुड इवनिंग, थैंक यू। किसके लिए बोल रहे हैं बेटा, क्लासेस के लिए। देखिए आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पर ये सब क्लासेस आती हैं और सॉल्यूशंस आते हैं इसके, ठीक है। तो फटाफट देखिए
कभी कभी क्या होता है कि कभी जैसे हम आपको आंसर्स प्रोवाइड करते हैं किसी चीज के, तो ये इंटर रिलेटेड भी होते हैं। और मैंने पहले कहा था कि कुछ कुछ जो चीजें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो क्या है हमेशा ही आपके इसमें आने वाले। जैसे मैंने कहा था कि अभी जो है आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको एलईडी से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, वो आते ही आते हैं। 3 क्वेश्चंस में से एक आध क्वेश्चन आपको एलईडी का मिल ही जाएगा, ठीक है, एलईडी का, या फिर आपका सर्किट डिजाइनिंग का, या मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह का कुछ चीज ना हो, सिंपल क्वेश्चंस हो सीरीज जनरेट वगैरह करने के लिए, बट ऐसे क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कभी आए नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकते, लेकिन जनरली आपके इसी तरह के डिवाइसेस को यूज करके आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। वॉइड सेटअप में सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हमारी जो एलईडी है उसके लिए क्या कर, एलईडी और हमारा एलडीआर है उसका यहाँ सेटअप कर लेंगे। बट उससे पहले, वॉइड से पहले हम क्या करेंगे, अपने कॉन्स्टेंट सेट कर देंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को वॉइस की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, मुझे बताइएगा आप, वॉइस की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आप लोगों को? अगर वॉइस की कोई प्रॉब्लम हो रही है, आवाज मेरी आ रही है ठीक से, दिखाई भी ठीक से दे रहा है, तो देखिए आपका जो है, मेरे ख्याल से विजिबिलिटी भी इसकी क्लियर है आपकी, है ना, तो दिखाई भी आपको ये ठीक से दे रहा है। गुड इवनिंग ऋषभ श्रीवास्तव जी। देखिए मैं आपको जो कोडिंग बता रही हूँ वो जो कोडिंग है, आप ये देखिए कि आपको इस तरह का जो प्लेटफॉर्म है, अगर आपने आईओटी का अभी तक प्रैक्टिकल नहीं किया है, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी आईओटी का प्रैक्टिकल कभी नहीं किया है, बिल्कुल ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं है कि भाई हमने तो आज तक कभी प्रैक्टिकल नहीं किया है, एग्जाम में किस तरह करेंगे। आपका जो आप अगर आईओटी के प्रैक्टिकल का जो क्वेश्चंस है आपका आएगा, आर्डिनो वगैरह आता है, तो वो इस तरह का आपको एक सेटअप देंगे, आईडीई देंगे, है ना, आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट देंगे, ये इस तरह का चीज ओपन करेंगे जिसके 2 पोर्शंस हैं, इस तरफ है आपका स्केच और इस तरफ आपका नजर आ रहा है आर्डिनो की सर्किट्स। तो ये जो है आपका ये बोर्ड, आप कह लीजिए आर्डिनो का, तो जैसे जैसे आप ये चेंजेस करेंगे और इसको रन कराएंगे तो ये जो आपका इस तरफ इसका स्क्रीन आ जाएगा। क्यों आपको इसमें डर लग रहा है? डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आपका जो प्रैक्टिकल है, मैंने अभी आपको बताया कि जो नए स्टूडेंट है उनको ये लगता है कि आपको इससे रिलेटेड कोडिंग नहीं आती। देखिए बेटा, जो जनरली आपके जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, किसी भी एग्जाम की, प्रैक्टिकल एग्जाम की बात कर लीजिए, तो जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे डर आपको सिर्फ तभी तक लगेगा, ठीक है। तो यहाँ जो मैं आपको कोडिंग बताने जा रही हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि यही कोडिंग आपकी एग्जाम में आ जाए, आप चाहें तो इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डरने की जरूरत नहीं है। सर्किट भी डिजाइन करना आएगा, बिल्कुल, क्वेश्चन एग्जाम आप इससे रिलेटेड आपका सर्किट डिजाइनिंग भी आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहीं बैठकर कोई बहुत टिपिकल प्रोग्रामिंग करनी है, बिल्कुल टिपिकल प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। आप देखिएगा कि बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा कि एलईडी का क्वेश्चन तो आते ही आते हैं आपके, ठीक है, एलडीआर यूज करने का आता है, मोटर के क्वेश्चन आते हैं आपके, तो जो जो कॉमन टॉपिक है, ऐसे बहुत सारे कॉमन टॉपिक पिक आपको मिल जाएंगे, उससे रिलेटेड आप एक पैटर्न देख लीजिए, ठीक है, और ऐसे दो दो क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बस आपको सिर्फ करना क्या है, एक बार आपको ये जो है इसका आर्डिनो का ये जो है आईडी ओपन करना है, ठीक है। आप कहिए तो हम इसका लिंक भी आपको ये भेज सकते हैं कि किस तरीके से आप इस पे कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप क्या करिएगा कि एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और जितने भी हम जो कॉमन टॉपिक्स हैं, है ना, उनकी जरूर प्रैक्टिस करिएगा जैसे मैंने अभी बताया। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बस इसको ओपन करना है और इसके ऊपर कोडिंग करनी है, कंपाइल करेंगे, एरर आ रही है तो एरर को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। पिछली बार भी मैंने बताया था कि एरर आना जरूरी है, क्योंकि एरर नहीं आएगा तो एग्जाम में अगर एरर आएगा तो उसे कैसे दूर करेंगे। तो डरना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिकल से पहले प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट बातें नहीं कर रही, हमें हमें स्टार्ट करना है, हमें करना था एलडीआर और एलडीसी से को यूज करके हमें नाइट लैम्प डिजाइन करना है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा वॉइड है, इससे पहले हम क्या कर ले रहे हैं, अपना कॉन्स्टेंट सेटअप कर ले रहे हैं,
अगर इस समय आप भी आर्डिनो आपके पास है तो आप फटाफट ये कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो हम क्या कर ले रहे हैं, इससे पहले कांस्टेंट अप्लाई कर, मतलब एलईडी के लिए हम क्या कर ले रहे हैं, उसको ग्लोबली डिफाइन कर ले रहे हैं, ताकि चाहे तो सेटअप और चाहे लूप हम किसी में भी इसको यूज कर सके, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, एज ए फंक्शन यूज हुए। तो मैंने यहाँ यूज कर लिया कॉन्स्टेंट, ठीक है, कॉन्स्टेंट ले लिया मैंने क्या, एलईडी, ठीक है, मैंने एलईडी को कांस्टेंट ले लिया। एंड एलईडी की इससे पहले मैंने यहाँ आईएनटी अप्लाई कर दिया, ठीक है, इसको आईएनटी टाइप ले लिया मैंने। एंड इसकी जो वैल्यू है मैंने इसकी सेट कर दी टू, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने इसकी सेट कर दी। तो ये तो मैंने इसको डिफाइन कर दिया अपने एलईडी को, बिल्कुल प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो ये मैंने एलईडी के लिए कर दिया, ठीक। अब मुझे क्या करनी है, अपने अप्लाई करनी है किसके लिए, एलईडी के लिए मैंने टू का कांस्टेंट कर दिया, अब मुझे डिक्लेयर करना है किसके लिए, सेंसर पिन अप्लाई करनी है किसके लिए, एलडीआर के लिए, एलडीआर सेंसर के लिए ना। तो मैं यहां लिखूंगी सेंसर पिन पिन मोड नहीं है, सेंसर पिन अप्लाई कर रही हूं मैं, किससे कनेक्ट करूंगी इसे, कांस्टेंट अप्लाई कर दिया मैंने किसके लिए, आईएनटी एलडीआर के लिए भी, क्योंकि एलडीआर भी इसमें एज पर द क्वेश्चन हमको क्या करना है, यूज करना है ना, एलडीआर सेंसर, ठीक है, एलडीआर सेंसर। एंड क्या कर दिया, एलडीआर सेंसर को कहां यूज करना है, किस पर, ए जीरो पर, ए जीरो पिन पर अप्लाई करना है इसको, ए जीरो पिन पर अप्लाई करना है, ठीक है। ये देखिए कांस्टेंट आईएनटी एलडीआर सेंसर इज इक्वल टू ए जीरो पर अप्लाई कर दिया हमने इसको। अब चलते हैं हम इसके दूसरे तरफ, अब हमको क्या करना है, सेंसर पिन कनेक्ट करना है एनालॉग पिन से। तो हमने क्या कर दिया, आईएनटी स्टेट्स कर दिया, एक हमने एक और वेरिएबल ले लिया जिसको हम बाद में यूज करेंगे, आईएनटी स्टेट। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने वेरिएबल्स, ये जो हम यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं ये आप इसको समझिए वेरिएबल ही है, तो हमारे जो डिवाइसेस हम यूज करने जा रहे हैं उसको हमने क्या कर लिया एज ए वेरिएबल। आपको कोडिंग नहीं दिखाई दे रही हो तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूं, कोडिंग नजर आ रही होगी मेरे ख्याल से आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी देखने में। तो ये हो गया, मैंने आईएनटी स्टेट इसको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको इसके जो है वॉइड पार्ट में चलती हूँ, मैंने इसको यहाँ डिक्लेयर कर दिया, एक थ्रेशोल्ड भी यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं ताकि यह है वोल्टेज मेंटेन हो जाए, तो उसको भी हम आईएनटी टाइप डिक्लेयर कर दे रहे हैं, अगर आप में से कोई ऑर्डिनो प्लेटफॉर्म पर है तो अभी आप ये भी कोडिंग मेरे साथ कर सकते हैं। देखिए आईएनटी थ्रेशोल्ड कर दिया यहाँ पर, एंड उसके बाद क्या है, मैं इसमें वैल्यू सेट कर दे रही हूँ 600, ठीक है, ताकि हमारी जो वोल्टेज है वो जो है वोल्टेज स्टोर हो सके, ठीक है। इसमें तो ये मैंने इतना अप्लाई कर दिया, एलईडी का ले लिया, एलईडी सेंसर ले लिया, स्टेट एंड थ्रेशोल्ड का भी वैल्यू अप्लाई कर दिया। अब हम चल रहे हैं अपने सेटअप पार्ट में, ठीक है। एंड सेटअप पार्ट में हमने क्या कर दिया भाई, पिन मोड करना है ना हमको, जैसे हम करते हैं पिन मोड, ये आ गया हमारा पिन मोड। एंड पिन मोड में हमको क्या करना है, एलईडी को क्या करना है, एज एन आउटपुट लेना है, एलईडी, ठीक है, एलईडी सेम वही लेंगे, नहीं तो फिर एरर आएंगी। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो हम वेरिएबल का नेम ले रहे हैं वही हम लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने ऊपर इसकी वैल्यू को यहाँ टू पर सेट किया है। तो ये हमने लिया एलईडी, और एलईडी को हमने किस में ले लिया, आउटपुट मोड पर ले लिया, ठीक है।
क्योंकि एलईडी क्या है, ब्लिंक करती है, तो इसका रिजल्ट हमको नजर आना है, ठीक है। तो एलईडी को हमने आउटपुट मोड में ले लिया, एंड इसके बाद क्या है, इसको क्या करेंगे, एलईडी आउटपुट मोड पर आ गई, एंड अब हम इसको क्या करेंगे, सीरियल बिगिन करेंगे, लगातार चलना है ना इसको, सीरियल है ना, डॉट बिगिन, सीरियल डॉट बिगिन किया, एंड इसके लिए वैल्यूज की कितनी ले लेंगे, 9600, ठीक है। तो इतना काम हमने किया है कि पिन मोड एलईडी आउटपुट मोड पे ले लिया है। अब चलते हैं अपने लूप की तरफ, हमको लूप में इसमें प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है। अब जो लूप की हमारी प्रोग्रामिंग है वो हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले जो हमने स्टेट डिफाइन किया था, ठीक है, उसको क्या करेंगे, हम एनालॉग रीड कराएंगे, है ना। जो स्टेट डिफाइन किया था, स्टेट, ठीक है, ये हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ स्टेट के लिए किया था ना, स्टेट है ना, तो स्टेट के लिए क्या करेंगे, इसको एनालॉग रीड कराएंगे। तो स्टेट इज इक्वल टू स्टेट, देखिए सेम रखिएगा इसकी, अगर आप कुछ गलती करेंगे तो इसको, जैसे अगर आपने कुछ और डिक्लेयर किया है एंड नीचे आप उसको कुछ और यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, वो आपका एरर देगा। तो स्टेट स्टेट इज इक्वल टू, स्टेट इज इक्वल टू एनालॉग, एनालॉग रीड कराना है, एंड एनालॉग रीड में हमको क्या रीड कराना है, एलडीआर सेंसर ना, एनालॉग रीड में एलडीआर सेंसर, देखिए हमने ऊपर दिया था, जो दिया था ऊपर सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, तो हमने एलडीआर एस कैपिटल डाला था, है ना, एलडीआर सेंसर, ठीक है, एलडीआर सेंसर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको एनालॉग रीड करेगा, ठीक। तो इसके साथ ही हमको क्या करनी है, अब ये हमने इसको डिक्लेयर कर दिया, अब हमको क्या करना है, LDR सेंसर, ठीक है, ये डिक्लेयर कर दिया, एंड इसके साथ इतना हमारा डिक्लेरेशन हो गया, एंड इसके बाद हमको क्या करनी है, यहाँ ये सेंसर रीड करेगा, वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है, स्टेबल वेरिएबल में, सॉरी स्टेट वेरिएबल में, एंड अब हमको क्या करनी है, देखिए LDR क्या करेगा, ये इसकी एनालॉग रीडिंग करेगा, एंड हमारा जो स्टेट वेरिएबल में, इसमें स्टेट कर, ये जो स्टेट वेरिएबल है देखिए हमने यहाँ पर डिफाइन किया था, है ना, इसमें क्या करेगा, ये रीड करेगा, एंड रीड करने के बाद इसमें क्या कर देगा, वैल्यू स्टोर कर देगा, ठीक है। अब इतना काम हमारा हो गया, अब इसके बाद हमको क्या करना है, थ्रेशोल्ड की वैल्यू सेट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इफ ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, स्टेट अगर स्टेट की वैल्यू लेस है किससे, अगर हमारे स्टेट की वैल्यू लेस है किससे, थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट की हमने, थ्रेशोल्ड की भी स्पेलिंग बहुत ध्यान से लिखिएगा नहीं तो एरर आएगी, ठीक है। तो क्या करें, ये देखिए क्या करेंगे, डिजिटल राइट कर दे, एलईडी को हाई कर दे, ठीक है, लेस जो भी हमने वैल्यू सेट की, अगर उससे वैल्यू जब डार्क होती है, देखिए हमारा जो एलडीआर है उसका वर्क क्या है कि जब इसमें डार्क आता है तो हम मतलब नाइट लैम्प की तरह कैसे यूज करेंगे, नाइट लैम्प हमारा क्या होगा, जब उसको कम रोशनी मिलेगी तो उसको क्या करना है, ब्लो करना है, तो ब्लो करने का काम हमारा एलईडी करेंगे, ठीक है, एंड एलईडी सेंसर उसको क्या देंगे, एनालॉग रीड करेंगे, है ना, डार्क होगी तब, तो हमने उसके लिए थ्रेशोल्ड का यूज किया है। तो अगर स्टेट की वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम है, एलईडी उसको क्या करेगा, रीडिंग रीड करेगा, उसको स्टेट में अप्लाई करेगा, ट्रांसफर करेगा, एंड वो उससे चेक करेगा थ्रेशोल्ड से जो भी वैल्यू दी है उससे कम है अगर उसकी वैल्यू, तो क्या होगा, हमारा जो एलईडी है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, डिजिटल राइट कर देंगे, किसको, एलईडी को हाई कर देंगे, एलईडी क्या हो जाएगी हमारी
हाय, ठीक है। तो ये तो है हमारी, ठीक। अब एलईडी हमारी क्या हो गई, हाई हो गई, ठीक। एंड उसके बाद हमको क्या करना है भाई, सीरियल प्रिंट कराना है। एलईडी क्या हो जाएगी, टर्न ऑन हो जाएगी अगर ये वैल्यू इसको नहीं होती है, मतलब अगर सॉरी अगर ये वैल्यू ट्रू होती है। इफ ये क्या है, ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो क्या होता है, डिजिटल राइट करके एलईडी की वैल्यू को हाई कर देगा ये, ठीक है। एंड क्या करेंगे, सीरियल क्या करा लेंगे हम, इसको सीरियल प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। क्या कराएंगे, स्टेट को भाई जितनी भी उसकी वैल्यू जो भी है उस वैल्यू को हम प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट एंड करा लेंगे। कंडीशन चेक, हाँ कंडीशन को चेक करेंगे, स्टेट, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, ये स्टेट की वैल्यू को प्रिंट एंड करा लेंगे, ठीक है। एंड थोड़ा डिले देंगे ताकि वो क्या करे, लाइट थोड़ी देर जलती रहे। तो हमने डिले दे दिया, डिले हमने दे दिया यहाँ 20,000 का, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं होता है, अगर हमारी इतनी चीजें नहीं होती है तो हम क्या देने जा रहे हैं, एल्स की कंडीशन भी देने जा रहे हैं, ठीक है। एल्स की कंडीशन भी देने जा रहे हैं। आप मुझे बिल्कुल बताइएगा कि आप में से कौन कौन है जो यहाँ इस समय मेरे साथ ये कर रहे हैं कोडिंग, ठीक है। एल्स की कंडीशन ये देंगे, एल्स की कंडीशन, और एल्स की कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम एल्स की कंडीशन देने वाले हैं कि अगर जो ऊपर हमने जो कंडीशन दी थी वो उसकी वैल्यू के लेस ना हो तो क्या कर दे हमारा ये, ऐसी कंडीशन में डिजिटल लाइट मतलब क्या कर दे, अगर भाई वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा ना, तो क्या कर देगा वो, हमें बल्ब को ऑफ कर दे, ठीक है, हमारा जो एलईडी है उसको ऑफ कर दे। तो एल्स में हमने दे दिया, हाँ जी बिल्कुल, इफ से कंडीशन चेक होती है। तो एल्स में हमने क्या कर दिया, एल्स, एल्स में हम अप्लाई करने जा रहे हैं डिजिटल राइट एलईडी लो, है ना, हाई हुई थी, अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, लो करने जा रहे हैं, ठीक है। और फिर वही क्या करेंगे, ये ऑफ हो जाएगा करने के बाद, और हम क्या कर दे रहे हैं इसमें सीरियल प्रिंट, डॉट प्रिंट एलएन, ठीक है, ये ठीक है। इसमें क्या प्रिंट एलएन करा लेंगे, स्टेट को, ठीक है। और हम क्या करेंगे, सेमीकोलन क्लोज कर देंगे क्योंकि ये टर्मिनेटर है हमारा। नेक्स्ट इसको थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ ताकि आपको ये नजर आए, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें डिले करा देंगे, ठीक है। 1000 का हम इसको डिले करा देंगे, वहां पर इस पीछे में हमने इसको 2000 का कराया था, 1000 का कराएंगे, सेमीकोलन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसके साथ हमारी कोडिंग हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपकी जो कोडिंग है ये आपकी यूज होगी एज ए नाइट लैंप के, इसके लिए इसको रन करा दे रहे हैं, सेव करके भी आप चाहे तो उसको रख सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए एरर दे रहा है, सीरियल डॉट प्रिंटलन स्टेट पर एरर दे रहा है, तो वॉइड लूप में सीरियल वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो इसमें ये जो कह रहा है कि जो सीरियल है वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, एंड सेम ही एरर दे रहा है किसके लिए, सीरियल के लिए। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई ये क्यों दे रहा है। यहाँ से इसको क्लोज करके हम यहाँ आ गए, यहाँ हमने सीरियल बिगन किया था वॉइड सेटअप के लिए पिन मोड में, सीरियल बिगन हमने किया था वॉइड सेटअप में भी किया था, नाइन सिक्स जीरो जीरो के लिए,
देखिए यहाँ पर जो है जो सिरल है हमको यही वाला यूज करना है, सिरल प्रिंटलन वाला, इसको यहाँ ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इस वजह से ये डिले नहीं ले रहा है ना। तो इसमें हमारा सिरल आया था, सिरल डॉट बिगिन किया था ना हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एलईडी के बाद हमको सिरल राइट करना है। ये डॉट हमारा प्रिंट एलन, ठीक है, एंड प्रिंट एलन में हमने क्या किया था, सिरल डॉट प्रिंट एलन, एंड हमारा क्या था, देखिए हम जो भी टाइप करते हैं अगर टाइपिंग में हमारी कुछ गलती हो जाती है तो क्या हो जाएगा, ये हमारे एरर देगा। तो सिरल डॉट प्रिंट एलन में हमने क्या किया था, स्टेट, अब स्टेट की भी वैल्यू देख लेते हैं तो फिर ये एरर देगा। तो स्टेट में हमने सब कुछ स्मॉल किया था, है ना, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया, चेक हो गया। अब ये नीचे जाते हैं जहां हमारा दूसरा ये एरर दे रहा है, तो यहाँ पर भी हमने इसको डिलीट करके वापस इसको ले लेते हैं क्योंकि हमने इसको टाइप किया था। तो ये आया सिरल, ये है डॉट प्रिंटलन, ठीक है, एंड इसमें हमने एसटीएट, ठीक है, ये हमारा स्टेट आया, ये आ गया। अब इसको फटाफट फिर से कर देते हैं, देख लेते हैं डिले की स्पेलिंग गलत यहाँ लिखी है, फिर एरर देगा। देखिए मैं भी कह ही रही थी कि डिले में एरर देगा क्योंकि दोनों ही जगह हमारी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करेगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है क्योंकि अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से एरर आएंगे आपके, ठीक है। और कोई दिक्कत की बात नहीं है आपके, जो अगर एरर आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए बहुत ही सिंपल है ये, देखिए डिले दे रहा है, आपको टाइप नहीं करिएगा, आप इसको क्या करते जाइएगा, बस इसको सेलेक्ट करते जाइए, ठीक है। तो ये देखिए जैसे ही मैंने इसको यहाँ किया इसका कलर चेंज हो गया, जहां जहां ये ऑटोमेटिकली इसमें डिफाइंड जो मेथड है वो ले रहा है उसके कलर चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए फिर से दे रहा है डिले में, क्योंकि ये डिले है, मैंने इसके बाद इसकी ब्रैकेट में नहीं लगाकर इसको यहाँ दे दिया वॉइड लूप में, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आ गए हैं यहाँ पर। तो ये देखिए ये डिले में जो मैंने इसकी वैल्यू है, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको यहाँ, तो देखिए एरर्स अगर इस समय नहीं आएंगे आपके और प्रैक्टिकल में एरर आएंगे तो क्या हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ 281 का ये आ रहा है, ये इस तरीके से आ रहा है करके जनरेट करके, ये आ रहा है ना आपका इस तरीके से, तो ये एक तरह की काउंटिंग आ रही है आपकी, लेकिन ये काउंटिंग आपकी नहीं होकर आपका ये जो नंबर डिले होकर आ रहा है उसमें आ रहा है, अदरवाइज ये जो सर्किट डिजाइनिंग आपकी पीछे आती है उस तरीके से आएगी, ठीक है। तो देखिए जितने भी इसमें एरर्स आए थे आपको ये एरर फाइंड आउट करके ये जो रिजल्ट आ रहे हैं इस तरीके से बिल्कुल रिजल्ट आएगा आपका ये, ठीक है, जैसे आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए ये तो आपका हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, इसको स्टॉप कर दे रहे हैं, रिफ्रेश करा ले रहे हैं और चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है जल्दी से देख ले रहे हैं, जो सेकंड है, प्रिपेयर अ सर्किट फॉर डिजाइनिंग एन ऑटोमेटिक कार पार्किंग फैसिलिटीज यूजिंग दी आर्डिनो डेवलपमेंट बोर्ड। तो सेम प्लेटफॉर्म हमको यूज करना है इसके लिए, प्लेटफॉर्म क्या है हमारा, आर्डिनो का डेवलपमेंट बोर्ड हमको यूज करना है, उसके लिए ऑटोमेटिक कार पार्किंग की डिजाइनिंग करनी है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा क्या, कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारी लाइब्रेरी है उसमें कुछ फंक्शंस को ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट मैं क्या कर लेती हूँ, आप लोगों को इसकी कोडिंग बता देती हूँ कि किस तरीके से आप इसकी कोडिंग करेंगे एंड किस तरीके से ये जो इसमें आ रही थी इसके बाद आपका जो सर्किट डिजाइनिंग है, देखिए अभी भी ये चल रहा है, ठीक है, इसको स्टॉप कर लेते हैं, हाँ ये स्टॉप हो गया है, ठीक
ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं कि एरर आ रही है, आपको सिर्फ एरर फाइंड आउट करनी है। अभी मैंने देखा ना कि जैसे एरर्स आ रही थी, एक एक करके मैंने उसको दूर किया, एंड उसके बाद क्या हुआ, एरर खुद ये बताती है कि हमको कहाँ जाके चेंजेस करने हैं। तो अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, चलिए फटाफट उसकी कोडिंग कर लेते हैं। हमें क्या करना है, एक कार पार्किंग बनानी है, एंड उस कार पार्किंग में हमको क्या करना है, ऑटोमेटिक कार पार्किंग डिजाइन बनानी है। ठीक है, यहां से आ जाते हैं हम अपने ऑटोमेटिक कार पार्किंग में। क्या होता है, देखिए सबसे पहले ये चेक होती है अवेलेबिलिटी, किस चीज की, ये चेक होती है कि भाई वहां स्पेस है कि नहीं। ठीक है, जो स्पेस यानी कि स्लॉट अलॉटेड होते हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या होते हैं हमको, उसी स्लॉट्स के अकॉर्डिंगली हमको क्या होते हैं, हमें नंबर प्रोवाइडेड होते हैं कि अब हमको कहां जाकर क्या करना है, वहां जाकर कार पार्क करनी है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि क्या, उस कंडीशन पर हमको क्या करना है, ये चेक करना है कि अगर हमारे सारे स्लॉट्स, जो भी स्लॉट्स अवेलेबल हैं, सबके सब क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं, तो किस तरीके से हमारा क्या होगा, स्पेस अलॉट होगा हमारे लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम इसके लिए किस तरीके से कोडिंग होगी। ये जो है, इसके लिए हमें कुछ अपनी फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ेंगी इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, लिक्विड क्रिस्टल जो लाइब्रेरी है इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए लाइब्रेरी मैनेजमेंट में आएंगे आपका, जो अगर इसके अलावा कोई और आईडीआर भी आ रहा है तो यहाँ देखिए ये जो अगर नॉर्मल आपका जो कोई और प्लेट, इससे एक दूसरा भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपका, जो नॉर्मल ऑफलाइन वाला भी अगर कुछ अवेलेबल है तो उसमें स्केच पर जाएंगे, आपका ये जो स्केच है वहाँ काफी मेन्यूज अवेलेबल होंगे, और उस मेन्यूज में जाएंगे, स्केच पर क्लिक करेंगे, स्केच से आप जाएंगे लाइब्रेरी मैनेजर, एंड वहां से जो भी आपको लाइब्रेरी चाहिए आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर मैं लाइब्रेरी मैनेजर पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ देखिए ये इंस्टॉल अपलोड करने के लिए मांग रहा है लाइब्रेरी। ठीक है, तो जो भी लाइब्रेरी मुझको चाहिए मैं इसको अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो हम कोडिंग करने जा रहे हैं आपके लिए ऑटोमेटिक कार पार्किंग के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इसको क्या कर, क्योंकि देखिए जितनी भी इसमें हार्डवेयर हम इंस्टॉल करेंगे, है ना, हम इसमें क्या करेंगे, हार्डवेयर इंस्टॉल करेंगे, जैसे चेक करने के लिए वायर्स या जो भी चीजें हम ऐड करेंगे उसके लिए हमें अलग से इसकी लाइब्रेरी क्या करनी पड़ेगी, इंक्लूड करनी पड़ेगी। है ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ डायरेक्ट नजर आ रहा है लाइब्रेरी मैनेजर, अदरवाइज वहां जो मेन्यू होगा उस पर स्केच पर क्लिक करके यही लाइब्रेरी मैनेजर आपका एक ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिक कार पार्किंग की जो आपकी कोडिंग है उसको स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो देख लीजिए आप भी मेरे साथ, इसमें हम कुछ लाइब्रेरीज को इंक्लूड करने वाले हैं, यानी कि हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने वाले हैं, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि हमारी जो कोडिंग है ये सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली चल रही है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने इसके ऊपर के पार्ट से, सेटअप के ऊपर से। मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ इसको, यहाँ आप चाहे तो नया भी इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा हर बार नई फाइल्स ओपन करिएगा ताकि पुरानी फाइल्स में कुछ भी ऐसा ना लिखा रह जाए कि जिसमें एरर है। ठीक है, और अगर कहीं पर भी बने हुए मेथड्स आपके हैं उसमें कहीं चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, मतलब अदरवाइज तो अब देखिए ये आज जो आपका आइडिया इतना सिंपल है कि इसमें क्या है, जरा सा भी कहीं कलर चेंज हो जाएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें एरर आ रही है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं आपका लूप, इसके लिए भी मैंने हटा दिया है, और इसकी कोडिंग देख लेते हैं। इसमें हम इंक्लूड करने जा रहे हैं हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स जनरली हम तब इंक्लूड करते हैं अगर हमको कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस वगैरह जो है इसमें इन्वॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मैं हेडर फाइल इंक्लूड करने जा रही हूँ। ठीक है, और हेडर फाइल इंक्लूड करने के लिए हम यूज करेंगे हैश। देखिए हैश करके आ रहा है इसमें इंक्लूड। ठीक है, हैश इंक्लूड नजर आ रहा है ना आपको, इसमें से हैश इंक्लूड करने जा रही हूं मैं किसके लिए, वायर के लिए। क्योंकि देखिए अगर रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा कि रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो जनरली अगर हम प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं आर्डिनो को बेस करके, तो प्रोजेक्ट में हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ वो सभी चीजें लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ हम वो सभी चीजें लिखते हैं जो
हम इसमें यूज करते हैं, जैसे वायर है, ऑर्डिनो बोर्ड है ना, इसके साथ एलईडी है, एलडीआर है, मोटर है, तो जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं वो सब चीजें इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ वायर आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली वायर ही ले रही हूँ, क्योंकि अगर लिखने में कोई गलती हो जाती है तो एरर आएगी, जैसे पिछली बार आई थी, तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट आपकी जो वायर है, वायर डॉट एच, एच है आपका हेडर फाइल के लिए, ठीक है। तो मैंने वायर डॉट एच आपकी जो एक हेडर फाइल है इसमें इंक्लूड कर ली है, एंड इसके साथ ही मैं एक और हेडर फाइल इसमें इंक्लूड करने जा रही हूँ। मैंने इसको लूप में कर लिया है, इसको लूप में नहीं करना है, ठीक है। देखिए यही आपकी जो है वो गलतियां हो जाएंगी, क्योंकि मुझे इसे लूप में नहीं करना है। कहाँ करना है इसको, मुझे इसे करना है सेटअप से पहले। क्यों इसको सेटअप से पहले करना है, इसलिए ताकि ये दोनों ही के लिए, सेटअप और लूप दोनों के लिए ही यूज हो सके, ठीक है। तो हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड वायर, ठीक है, हैश इंक्लूड वायर, यह है वायर, ठीक है, डॉट एच हेडर फाइल है, ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट है। देखिए कलर चेंज हो गया, इसका मतलब आपकी कोडिंग सही है। तो ये भी एक तरीके से क्या इंडिकेशन है कि आपकी कोडिंग सही है। एक और हेडर फाइल इंक्लूड करनी है हमें लिक्विड क्रिस्टल की, हैश इंक्लूड ये लिक्विड क्रिस्टल i2c.h, ठीक है, ये हमको इंक्लूड करनी है इसके अंदर। तो ये जो दो फाइल्स है हमने इसको इंक्लूड कर लिया है, एंड इसके साथ हमें सर्वो एच फाइल भी एक इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो हम पहले इसको डिफाइन कर लेंगे कि हमने इसको, मतलब इसकी वैल्यूज इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो हम इसको करेंगे लिक्विड क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल क्योंकि इसमें देखिए हेडर फाइल इंक्लूड इसकी नहीं है, इसमें आ रहा है हेडर फाइल इंक्लूड नहीं, अगर होता तो इससे रिलेटेड मेथड आपका इसमें आ जाता, ठीक है। तो इसको हमें इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, अभी हम इसको रन कराएंगे तो इसमें एरर आएगा, अदरवाइज ये मेथड तुरंत अपने आप आ जाता है इसमें, ठीक है। ये जो मैं टाइप कर रही हूँ इसको टाइप करने से देखिए ये अपने आप ही आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी अभी रन कराने पर ये एरर देगा, लिक्विड क्रिस्टल 12_12c हमने लिया है, ठीक है, एंड इसकी जो 12c है ये LCD है, एंड इसके साथ हमने क्या किया है, इसकी वैल्यूज को फिक्स कर देंगे। जो वैल्यू हम इसकी फिक्स करेंगे वो करेंगे 0 × 27 ठीक है, कॉमा 16, 2, ठीक है। एंड देखिए इसको सेमीकोलन लगा देंगे ताकि ये क्लोज हो जाए। इसके साथ ही हम एक और फाइल इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड, क्योंकि हमें ऑटोमेटिक कार पार्किंग बनानी है, हैश इंक्लूड नहीं हुआ है, आई गलत हो गया है, हैश इंक्लूड सर्वो, ठीक है। देखिए सर्वो डॉट एच फाइल आ रही है, ये अगर ये इंक्लूडेड होगी तो इससे रिलेटेड भी आ जाएगा आपका क्या मेथड आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आपका जो सर्वो है उसकी भी वैल्यू सेट कर देंगे, सर्वो जो है उसको एक आप कहिए अलाइस नेम दे देंगे। देखिए
ये एस क्लिक करने पर ये आ रहा है बट सर्वो नहीं आ रहा है, इसका इसका भी हेडर फाइल इंक्लूडेड नहीं है, आप उसको लाइब्रेरी मैनेजर से पहले इंक्लूड करिएगा। तो ये है आपका सर्वो, इसको हमने एक अलाइस नेम दे दिया, ठीक है, ये हो गया आपका सर्वो, माई सर्वो इसको नेम दे देते हैं हम, माई सर्वो, एंड इसको एक वैल्यू दे देते हैं वन, मतलब नेम दे देते हैं माई सर्वो वन, ठीक है। ठीक, अब इतना तो हमारा ये सेट हो गया, ग्लोबली हमने चीजों को सेट कर लिया, ठीक है। अब कुछ वेरिएबल्स भी ले ले रहे हैं हम, ठीक है, एक हम वेरिएबल ले ले रहे हैं आई एन टी आई आर, ठीक है, आई आर वन, एंड इसकी वैल्यू सेट कर ले रहे हैं हम फोर, ठीक, आई एन टी आई आर वन ले ले रहे हैं, उसकी वैल्यू सेट कर ले रहे हैं, एक और वेरिएबल ले रहे हैं आई एन टी आर टू, क्योंकि हमको क्या करना है, और टोटल अभी हम स्लॉट्स भी इसमें सेट करेंगे कि टोटल कितने स्लॉट्स हैं, मतलब स्लॉट्स चेक करेंगे तभी तो एक एक करके वो सब स्लॉट्स को चेक करेगा, ठीक है। एक और हम ले ले रहे हैं इसमें आई एन टी आई आर, देखिए यहाँ पर अगर कैपिटल ले रहे हैं तो हर बार कैपिटल ही यूज करेंगे, तो आई एन टी आई आर टू ले ले रहे हैं, एंड इसमें वैल्यू हम सेट कर ले रहे हैं सेवन, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमको यहीं पर स्लॉट्स सेट कर लेने हैं, ठीक है। तो हमने एक और वेरिएबल ले लिया आई एन टी स्लॉट्स के नाम से, ठीक है, एंड टोटल स्लॉट हमने दे दिए फोर, यानी कि पहले चेक करें कि वो स्लॉट्स कितने हैं, एंड स्लॉट्स चेक करने के बाद क्या कर दे वो ये करे कि मतलब टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स, हमने ये फिक्स कर दिया कि चार स्लॉट्स हैं, तो अगर चार स्लॉट्स में अगर वन उसको रीड करेगा थ्री खाली मिलेंगे तो कहीं पर भी वो कार पार्क कर सकते हैं, ठीक है। जो भी स्लॉटेड एरिया मतलब वन है तो उसके बाद टू करेगा, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद फाइव, इस तरीके से करेगा, ठीक है। तो ये कोडिंग आप देख लीजिए किस तरीके से होगी। नेक्स्ट है आपकी, ये तो इस सेटिंग के लिए होगी, अब हमें फ्लैग भी सेट कर रहे हैं ना, फ्लैग क्या काम करते हैं, चेकिंग का काम करते हैं, ठीक। हम इसमें सेट कर लेंगे फ्लैग, तो हमने आई एन टी दो फ्लैग्स ले लिए, जिस तरीके से आई टी आई आर हमने लिए थे, तो हमने फ्लैग ले लिया आई एन टी फ्लैग, एक हमने वेरिएबल ले लिया फ्लैग वन, ठीक है, एंड दूसरा हमने ले लिया आई एन टी फ्लैग टू, ठीक है। इस तरीके से हमने दो वेरिएबल ले लिए जिससे हम क्या कर सकते हैं कि काउंटर वैल्यूज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब सेटअप की तरफ चलते हैं ताकि हम ये इसमें जो भी हमने हार्डवेयर यूज किया उसकी सेटिंग कर सके, क्योंकि हमारा जो सेटअप है ये यूज होता है जनरली सेटिंग के लिए। तो चलिए इसकी सेटिंग चेक कर लेते हैं, और ये है हमारा सेटिंग, हम कर ले रहे हैं एल सी डी, हमने यूज किया था एल सी डी ही यूज किया था ना, एल सी डी है ना, वो हमने एल सी डी नाम दिया था, तो एल सी डी जो है एल सी डी डॉट, ये इसको हमने अलाइस नेम दिया था, मतलब आप कह दीजिए वेरिएबल का एक और नाम दिया था, तो एलसीडी जो है आपका डिक्लेयर कर देंगे इसके लिए हम एक फंक्शन, बाद में यूज करेंगे इस फंक्शन का भी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, क्योंकि फंक्शन क्रिएट एज ए फंक्शन हम इसको क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करेंगे हम, एक और एलसीडी, ठीक है, इसको बैकलाइट करेंगे, बैकलाइट, ठीक है, बैकलाइट डिक्लेयर करेंगे। हमने दो फंक्शंस यहाँ पर बना दिए हैं, एक तरीके से इसके इनिशिएट करने के लिए और बैकलाइट के लिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको पिन मोड अप्लाई करेंगे R1 और R2 के लिए जो हमने बनाए हैं, तो अब पिन मोड अप्लाई करेंगे, पिन मोड ये है, ठीक है। तो जो हमारा जो पिन मोड है, पहला है हमारा R1 के लिए, और R1 के लिए जो पिन, दोनों ही जो पिन मोड है हमारे इनपुट मोड में होंगे, क्योंकि इनपुट मोड से क्या होंगे, इनकी वैल्यूज आएंगी, तो जो वैल्यूज इनकी आएंगी वो ये चेक करेंगे कि इनकी स्लॉटिंग वगैरह क्या है ना, दोनों ही इनपुट मोड में। नेक्स्ट है हमारा पिन मोड,
ठीक है, और ये है आर टू के लिए, और ये भी क्या है हमारा इनपुट मोड में, ठीक है। तो ये दोनों हमारे इनपुट मोड में हो गए हैं। अब हमको क्या करना है, हमने जो माई सर्वो बनाया था उसको अटैच करना है ना, माई सर्वो वन जो बनाया था आपने, ये देखिए यहाँ बनाया था ना आपने, हेडर फाइल इंक्लूड की थी और सर्वो जो था उसको माई सर्वो वन, ठीक है। तो ये माई सर्वो वन जो है आपका उसको क्या करेंगे, अटैच करेंगे, है ना, अटैच करेंगे, ठीक, अटैच करेंगे, और इसको हम वैल्यू दे दे रहे हैं 9, ठीक है, इसको वैल्यू क्या दे दे रहे हैं 9, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, राइट करेंगे माई सर्वो वन को क्या करेंगे, राइट करेंगे, ठीक है। ये देखिए राइट फंक्शन आपका आ रहा है, राइट करेंगे, एंड राइट क्या करेंगे इसमें वैल्यू 100, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम इसमें क्या करेंगे, अप्लाई, अब हमको क्या करना है, सर्वो अटैच भी कर लिया हमने, राइट कर लिया, राइट करने के बाद हमको क्या करना है, कर्सर सेट करना है, किसके लिए सेट कर्सर करना है, एलसीडी के लिए, एलसीडी में हम क्या करेंगे, कर्सर सेट करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि ये जो है थोड़ा टिपिकल है इसके लिए, ठीक है। तो एलसीडी के लिए हम क्या करेंगे, एलसीडी डॉट फंक्शन नहीं बनाना है हमको, कर्सर सेट करना है ना, डॉट हमको कर्सर सेट करना है। चलिए इसके लिए हमें कर्सर सेट करना है, सेट, अगर देखिए डॉट करने के बाद अगर आपको पहले से डिफाइंड मेथड्स में से कोई अगर आ रहा है तो आप बिल्कुल इसमें से करिएगा, कोई अपने से सेलेक्ट नहीं करिएगा, ठीक है, टाइप नहीं करिएगा, इसमें से लीजिएगा। बट इसमें से नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत सारी हेडर फाइल्स इंक्लूड भी नहीं होती, तो उससे रिलेटेड मेथड्स भी नहीं इसमें आते हैं, तो हम तब उसको टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको हम इसको फिर क्या कर ले रहे हैं, टाइप कर ले, तो क्योंकि हमको जो ये जो है कर्सर सेट करना है 00 के ऊपर, ठीक है, स्टार्टिंग से, मतलब हमको स्टार्टिंग से चेक करना है, स्लॉटिंग की स्टार्टिंग से चेक करना है। तो हम क्या कर ले रहे हैं, इसको कर्सर को सेट कर ले रहे हैं, क्या सेट कर्सर 0.0, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको कर्सर को सेट कर लिया है। अब हम क्या कर ले रहे हैं, एलडीआर प्रिंट करा ले रहे हैं, क्योंकि हमारा ये कहाँ आ रहा है, सॉरी एलसीडी डॉट कर ले रहे हैं प्रिंट। तो ये प्रिंट देखिए आ रहा है, अब हम इसको प्रिंट करा लेंगे इस पर। प्रिंट हमेशा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट में होता है, क्योंकि प्रिंट क्या है आपका एज इट इज आता है ना, तो हम इसको आर्डिनो प्रिंट करा लेंगे, ठीक है, आर्डिनो प्रिंट करा ले हैं, क्योंकि हमारा जितनी भी सर्किट डिजाइनिंग है वो कहाँ हो रही है, इसी प्लेटफॉर्म को यूज करके हो रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमने 00 के लिए सेट कर लिया, यानी कि स्टार्टिंग हमारी इससे हो रही है। अब हम 01 के लिए सेट करते हैं, एलसीडी सेट कर, कर्सर को सेट कर देते हैं, एलसीडी डॉट कैपिटल हो गया है, स्मॉल करिए, क्योंकि जैसे वेरिएबल वहां यूज किया है वही करेंगे, एलसीडी डॉट सेट कर्सर 0.1 के लिए, ठीक है, 0.1 के लिए। तो 00 के लिए भी कर लिया और 01 के लिए भी कर लिया, ठीक है। और 01 के लिए भाई स्टार्टिंग होगी हमारी, प्रोजेक्ट की तरह कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए, डिस्प्ले भी तो अच्छा होना चाहिए। तो इस पर क्या हमारा प्रिंट होकर आ जाए, एलसीडी डॉट प्रिंट आ जाए, क्या पार्किंग सिस्टम, ये देखिए प्रिंट ले लिया हमने, तो यहाँ पर क्या आ जाए, पार्किंग सिस्टम, ठीक है, ये पार्किंग सिस्टम आ जाए। और इसको हमने कर दिया सेमीकोलन, एंड इसके साथ क्या कर दिया हमने, इसको एंटर प्रेस कर दिया, एंड एंटर प्रेस करने के बाद हमने कर दिया इसमें डिले,
ठीक है, डिले कर दिया, एंड डिले हमें कितने का चाहिए यहाँ पर, 2000। रुके ना भाई, आते ही अगर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2000 मतलब टू, ये देखिए यहाँ सेमी कॉलन लगाया हमने, ठीक है, एंड उसके बाद क्या करें, वो हमारी स्क्रीन को क्लियर कर दे, मतलब जब फर्स्ट स्क्रीन आए तो वो हमें बताया कि किस प्लेटफॉर्म पे बनाए, यानी कि आर्डिनो, आर्डिनो पर क्या है, पार्किंग सिस्टम है, एंड उसके बाद वो होल्ड करे, ठीक है, एंड होल्ड करने के बाद वो क्या कर दे, हमारी स्क्रीन को क्लियर कर दे। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, LD LCD डॉट क्लियर, ठीक है, यहाँ हमने क्लियर मेथड यूज कर लिया, ये क्या करेगा, क्लियर हमारा, हमारी स्क्रीन को क्लियर कर देगा, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक, ठीक है। तो इसके साथ ही हमने ये सेट कर लिया, अब देख लेते हैं फटाफट कोडिंग आपकी इसके लिए, ठीक है। अब इसकी कोडिंग पे हमको क्या करना है, हमको ये चेक कर लेना है, क्या सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि अगर इफ हमको स्लॉट्स चेक कर रहे हैं ना, सबसे पहले लो, सबसे पहले ये देखना है कि लो एंड हाई, मतलब लाइट्स के थ्रू हमको ये भी देखना है कि किस तरीके से इसकी चेकिंग होगी, एंड उसके साथ हमको ये भी चेक करना है कि स्लॉट्स अवेलेबल हैं कि नहीं, है ना, कोई स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है तो क्या है, हमारी पार्किंग में क्या हो जाएगा, मतलब स्लॉट ही अवेलेबल नहीं होगी तो वो हमको डिस्प्ले करा दे, सॉरी नो स्पेस का जो ये अवेलेबल करा दे। तो हम इसमें करेंगे इफ कंडीशंस चेक कर ले रहे हैं, इफ डिजिटल रीड करा ले रहे हैं, डिजिटल रीड, क्या रीड कराएंगे, IRT की वैल्यू, सॉरी IR1 की वैल्यू, IR, ठीक है, वन क्या है, इक्वल टू लो, लो, ठीक है, लो है, अगर इसकी वैल्यू लो है तो क्या कर देगी हमें, ठीक है। एंड इसके साथ हम एक और भी चीज चेक कराएंगे, तो हम क्योंकि दो कंडीशंस एक साथ चेक कराते हैं तो हम क्या लगाते हैं, एंड, एंड क्या है आपका, लॉजिकल ऑपरेटर है, जब आपने किया होगा तो आप लोगों ने जरूर देखा कि एंड हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। तो हमने यहाँ एंड अप्लाई कर दिया, देखिए यहाँ इसको एंड अप्लाई कर दिया, एंड एंड अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे फ्लैग, फ्लैग भी हमने लगाया था, दो फ्लैग्स लिए थे हमने, फ्लैग वन एंड टू, तो हम यह चेक कर ले रहे हैं, फ्लैग वन की वैल्यू अगर जीरो है ना, FLAG फ्लैग, इसमें स्पेस दे देते हैं, ठीक है, एंड फ्लैग जो है हम इसको नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमको एरर नहीं देगा, तो हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं एंड के बाद फ्लैग जो है वन क्या है, इक्वल टू जीरो, ठीक है, अगर फ्लैग वन की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक, नहीं यहाँ ब्रैकेट नहीं लगेगा, ठीक है, आप चाहे तो देखिए यहाँ पर भी आके तीनों तीन ब्रैकेट आपके क्लोज हो रहा है, ठीक है, कहाँ आपकी, आप इसको जो है IR1 के बाद, आपका IR1 के बाद आप चाहे तो एक ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं, देन लो के बाद आपका ये ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा, है ना, ये IR1 के बाद ये जो ब्रैकेट है आप इसको सिर्फ IR1 के लिए लगाइए, तो ये जो ब्रैकेट है आपका, यहाँ पे, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू चेक हो गई, देन इसका जो ब्रैकेट है आपका इसके लिए अप्लाई हो गया, देन इसके लिए आपका ये लास्ट ब्रैकेट अप्लाई, ठीक है, तो ये टोटल कंडीशन चेक करेगा, अगर आपके ब्रैकेट्स जो है, देखिए कंडीशंस चाहे किसी भी लैंग्वेज की हो, लेकिन जो है उसमें हम जब भी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं उसमें ब्रैकेट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उसको जितने ओपनिंग है उतने क्लोजिंग नहीं होंगे, तो फिर से वो आपको क्या करेगा, एरर शो करेगा, ठीक है। तो ये देखिए हमने चेक कर लिया, और अब जैसे ही हमने इसको चेक किया उसको तीनों अपने ब्रैकेट्स मिल गए। अब अगर ये कंडीशन हमारी, ये कंडीशन आती है तो इसके अंदर हमको क्या देना है, मैंने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स लगा लिए हैं, तो हमको क्या करना है, अगर ये होती है तो हम माई सर्वो डॉट राइट पर हम क्या कर देते हैं, जीरो, है ना, इसके अंदर इसकी कोडिंग कर लेते हैं, माई सर्वो वन डॉट राइट, है ना, हम राइट कर ले रहे हैं, क्या क्या राइट कर ले रहे हैं, जीरो, ठीक है, जीरो राइट कर ले रहे हैं, यानी कि स्लॉट क्या है, स्लॉट में से क्या कर देंगे, जैसे ही एक कार पार्क हो जाती है तो
वो क्या कर दे, स्लॉट में से क्या कर दे, स्लॉट की वैल्यू में क्या कर दे, स्लॉट देख रहे हैं हमने कैपिटल लिया है कि स्मॉल लिया है, स्लॉट हमने कैपिटल नहीं लिया, स्मॉल लिया है, तो हमने देखे स्लॉट यहाँ है, स्लॉट डॉट सॉरी डॉट नहीं करना है हमको, क्या करना है, जैसे ही पहली कार पार्क हो यानी कि जीरो पोजीशन दिखा रही है, तो जैसे ही पहली कार पार्क हो जाए उसके बाद क्या कर दे, जो स्लॉट है उसमें से क्या करे, एक का स्लॉट कम कर दे, तो स्लॉट क्या कर दे, स्लॉट की जो वैल्यू उसमें से एक कम कर दे, तो ये हो जाएगा स्लॉट माइनस वन, ठीक है, इतना हो जाए। एंड उसके बाद क्या हो, इसको अगर ये इफ की कंडीशन आपकी सही आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या करे, एल्स की कंडीशन चेक करे ना, ठीक है, और एल्स में उसको क्या कंडीशन चेक करनी है, हाँ जी, एल्स में, ठीक है, एल्स में उसको क्या चेक करना है कि जो हमारा एलसीडी कर्सर है, एलसीडी कर्सर, एलसीडी जो कर्सर है उसकी वैल्यू क्या है, जीरो जीरो पे सेट करनी है, ठीक है, एलसीडी कर्सर की वैल्यू जीरो जीरो पे सेट करनी है, ठीक। एंड अगर जीरो जीरो है यानी कि हमारे सारे स्पेस क्या है, फुल हो गए है ना, स्लॉट की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई है, सब स्लॉट्स मतलब जीरो हो गए, अभी हमने थ्री स्लॉट्स दिए थे उनको स्टार्टिंग में, जीरो हो गए हैं, तो वो क्या प्रिंट करा दें हम यहाँ पर, एलसीडी प्रिंट करा देंगे हम अभी यहाँ कर जीरो, सॉरी कि अब हमारे पास अवेलेबल स्पेस नहीं है, ठीक है, क्या प्रिंट करा देंगे हम यहाँ पर इसको, सॉरी ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, कर्सर को हम 01 पे सेट कर देंगे, सेट कर्सर को कहां सेट कर देंगे, 01, ठीक है, 01 पे सेट कर देंगे, ठीक। और इसी के साथ हम क्या करा देंगे, एक प्रिंट भी करा देते हैं भाई की पार्किंग हो गई है क्या, फुल है ना, एलसीडी डॉट प्रिंट क्या करा देंगे हम, प्रिंट ले लिया हमने कि पार्किंग पार्किंग फुल, ठीक है, तो पार्किंग हो गई है फुल। एंड इसी के साथ है हम भाई, मैसेज जो है आपका थोड़ा देर डिस्प्ले भी होना चाहिए ना, सेमी कोलन लगाना नहीं भूलिएगा क्योंकि ये टर्मिनेटर होता है आपका, ठीक है, आपका जो भी कमांड आप एक दे रहे हैं उसका टर्मिनेटर हो रहा है। अब हमने कर दिया इसको डिले, कर दिया हमने इसको 3000, ठीक है, एंड डिले होने के बाद और डिस्प्ले होने के बाद क्या है, अब क्या कर दे, ये एलसीडी डॉट क्या कर दे, क्लियर कर दे, ठीक है, क्लियर कर दे, क्योंकि ये आपका क्या फंक्शन, इसीलिए हम लगाएंगे इसमें ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट टर्मिनेटर, ठीक है। तो ये आपका ये है कार पार्किंग के लिए, इसको रन करा देंगे, ठीक है, एरर ये शो कर रहा है लिक्विड क्रिस्टल, क्योंकि हेडर फाइल्स आपकी क्या है, लिक्विड क्रिस्टल, नो सच फाइल और डायरेक्टली, क्यों नहीं है, क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है। तो जब मैं इसको स्टार्ट कर रही थी तभी मैंने कहा था कि अभी कोई इसमें हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं थी तभी ये इससे रिलेटेड क्या हो रहा था यहाँ पर, ये देखिए ये स्टार्टिंग है, ये जितने भी मैंने यहाँ पर ये ऐड किए हैं वो ऐड नहीं हुए क्योंकि ये आपकी जो फाइल इंक्लूड नहीं थी, ठीक है। तो आप पहले अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करिएगा एंड उसके बाद आपकी जो है लिक्विड क्रिस्टल है और ये जो सर्वो फाइल है, इन दोनों को हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के बाद आपके जितने भी इससे रिलेटेड आपके मेथड्स हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें आते जाएंगे, ठीक है। और इसको करने के बाद आपका जो ये वाला स्क्रीन है इसके ऊपर आपका जो कार पार्किंग है उसका सर्किट डिजाइन हो जाएगा, लेकिन इसके साथ कुछ और अटैचमेंट आपको लगानी पड़ेगी रिजल्ट्स के लिए, ठीक है। तो लेकिन ये पूरा का पूरा आपका सक्सेसफुली रन कर जाएगा हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद, ठीक है। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये जो दोनों प्रोग्राम मैंने बताए हैं आपके ये समझ में आए होंगे, ठीक है।
तो जो थर्ड प्रोग्राम है अपने अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही है। थैंक यू स्टूडेंट्स। Still time है ना।